The director up on stage, Mr. Sanjeev Sharma. Mike. He acha. Sanjeev ji, aap bhi Delhi ke hi hain. Aur Delhi mein ek aisa matlab anokha aisa ajuba, Delhi khud ek shahar hai jahan pe khoob sare shahar ek saath aa jaye. Par purani Delhi kyun? Kahani batane ke liye. Purani Delhi ke andar mein wahan. Aur in sare characters mein se autobiographical kaun sa hai sabse zyada? Autobiographical. Sona. तो चलिए धीरे-धीरे करके आपके कैरेक्टर से मुलाकात हो जाए मीडिया वालों से सबसे मुलाकात कराते हैं सबसे पहले आई लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर मनोज बाजपेई मनोज जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर आपके किरदार का नाम है पप्पी पर पप्पी इतने गुस्से में है वो किसी को पप्पी तो देने नहीं वाला तो क्यों इतना हैरान परेशान है बेचारा पप्पी नहीं उसकी एक लव स्टोरी है और काफी डेस्परेट सा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करे लेकिन बीच में जो है हवलदार वो जो तेजपाल है वो पनौती बना हुआ है जिसके कारण उसको ये काम को अंजाम देना है और बाकी सारे के सारे जो चक्के हैं उसको लाइटली ले रहे हैं क्योंकि उनका कुछ भी स्टेक पे नहीं है लेकिन इसके लिए इसकी लड़की स्टेक पे है तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है काफ़ी और किसी का दिमाग उसके जैसे चल नहीं रहा सिंक में मिलता नहीं है जिसके कारण उसे फ्रस्ट्रेशन होती है तो ये पप्पी गैंग लीडर है गैंग लीडर तो अब वो कहता है लेकिन तीन ही लोगों का है उधर उधर उसका दूसरी तरफ का गैंग का वो जग्गी आ जाता है जो अपनी माँ बहन करा रहा होता है वहाँ पे तो सर ये जो आपकी पनौती है उनको भी बुला लेते हैं अब मीडिया से रूबरू कराते हैं मिस्टर के मेनन के सर गुड इवनिंग सर दिल्ली वालों से यहाँ पर मुंबई में बैठे लोगों को भी बड़ा खौफ होता है कि बड़े कड़क होते हैं दिल्ली के पुलिस वाले तो ये जो तेजपाल है ये कड़क के साथ साथ काफी टेढ़ा भी है पागल सा आदमी है प्यार में पागल है तो तेजपाल आप का किरदार जो है पप्पी के लिए सबसे बड़ी पनौती है जैसा ट्रेलर में भी उन्होंने कहा आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है इस पूरी फिल्म में मेरा स्कूटर व्हाई नहीं होता था उसको स्टार्ट करने के लिए हमेशा जो उसके आसपास कैरेक्टर होता है वो उसमें किक लगाता है उसको पुश करता है तब जाके वो स्कूटर चालू होता है फैबुलस ऑलराइट अभी एक और कैरेक्टर द वन आई एम मोस्ट इंट्रिग्ड अबाउट इन दिस फिल्म कैन आई हैव अप ऑन स्टेज मिस्टर विजयराज नमस्ते नमस्ते विजय जी जग्गी जो किरदार है इफ आई हैव रेड हिम राइट उसको किसी का खौफ नहीं है ना नर नारी का ना ऊपर वाले का तो जग्गी के बारे में प्लीज हमें कुछ बताएं मीडिया को इस पिक्चर में सबसे शरीफ कोई आदमी है अगर वो जग्गी है नाम उसका जग्गी तिरछा है वो शायद मेरे को देख के इसने क्योंकि मैं टेढ़ा चलता हूँ बट बहुत सीधे सीधे काम करता है बेचारा बड़ा ही निहायत शरीफ आदमी लेकिन समय का मारा हुआ है बेचारा और कुछ जग्गी की फिल्म में कोई भी चाल जो है सीधी नहीं है वो शतरंज के घोड़े के जैसा ढाई घर पता नहीं कहाँ से आता है सो ये है जग्गी तिरछा फिल्म के अंदर हमारी सात महीने जो है इस ये फिल्म सेंसर में इधर से उधर घूमती रही उसका सबसे बड़ा कारण जो था जग्गी था क्योंकि मैं ये मान सकता हूँ ऑलराइट नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज अपार शक्ति खुराना अपार मिस्टर खुराना अगर आपको रियल लाइफ में कोई जानता है पहचानता है तो सबको मालूम है कि आप एक निहायत ही पोलाइट और प्यारे किस्म के हमेशा खिलखिलाते रहते हैं इंसान तो ये खप्पे का किरदार आप हाउ डिड यू बिकम खप्पे फॉर सात उचक्के जो आपने पोलाइटनेस की बात करी ना जो मैं फर्स्ट डे शूट पे पहुंचा तो वर्कशॉप वगैरह हो चुकी सब कुछ सब एक दूसरे को जान चुके थे तो मैं एंटर किया तो हगू एक और कैरेक्टर जो भी पहुंचा नहीं है मैं व्हाट्सएप हग्स उन्होंने ये कैरेक्टर में ये लड़का अभी जीके नहीं बाहर निकला है इसमें से अभी ये साउथ अभी भी साउथ ही व्हाट्सअप कर रहा है
उसके नेक्स्ट डे से सॉरी टू से मतलब सीधा ओ बैंक क्या हाल है बहनशोद क्या हाल है हग्गू दैट यू नो कट टू दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट. हां पोलाइट अपार शक्ति यहां से नॉट सो पोलाइट हो गया इसके बाद से. वेरी एक्साइटिंग है. वेरी फिल्म की शूटिंग के दरमियान अगर कोई भी डल मोमेंट आता था तो ये अपार शक्ति खुराना थे जो कि एक गिटार लेके बैठ जाते थे और गाना गाते थे और सबको बहुत खुश और एंटरटेन रखते थे. थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी सर. सर अपार शक्ति खुराना के रेडियो के दिनों में हम बोला करते थे कि इनको माइक की जरूरत नहीं है, ये बिना माइक के ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ऐसी इतनी बुलंद आवाज है इस लड़के की. क्या बात. थैंक यू सो मच. नाउ इन दिस एंटायर स्टार कास्ट द ओनली वुमन होल्डिंग हर ओन अदिति शर्मा. Aditi, good evening. Good evening. Very nervous? Yeah, kind of. आप लखनऊ की हैं. जी. और लखनऊ के लोग तो बहुत ही तमीज़दार ऐसा सुना है होते हैं. तो ये सोना जो घिया लौकी लेकर सब्जी वालों को हड़काती है भरे बाजार में, सोना के बारे में हमें बताएं. सोना जो है एक्चुअली जब संजीव सर ने मुझे बताया था मुझे ये सोना, जब मैंने ऑडिशन किया था मुझे लगता था सोना बहुत अलग है मुझसे. शी इज़ गोना बी अ चैलेंज फॉर मी. और मुझे लगा कि मुझे मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, कितना चैलेंजिंग है. पर फिल्म करते करते फिल्म के दरमियान मुझे लगा ये तो मेरी जैसी है. सो आई कम्प्लीटली रिलेट टू हर नाउ. एंड बहुत ही बहुत स्मार्ट लड़की है, अपने आप को बहुत सुंदर और सेक्सी समझती है और अपनी सेक्सुअलिटी को यूज़ करना आता है उसे. और पप्पी से प्यार करती है और वो भी चाहती है कि वो कुछ पैसे कमाए और कुछ होए लाइफ में. और तेजपाल को बेवकूफ बनाती है. और तेजपाल को बेवकूफ बनाती है. घर पे हलवा खिलाने के लिए बुलाते हो और तुम्हारी मम्मी जो है उनको बाहर से ही टरका देती है. फैंटास्टिक. संजीव जी अपनी बाकी की स्टार कास्ट से भी प्लीज रूबरू कराएं मीडिया को. हाँ. सो ये अजी फोड़ू हैं कैरेक्टर हमारे. आइए विपुल बेग. सो विपुल विग जहाँ पे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं. फुकरे नाम की फिल्म है जो कि उन्होंने लिखी है और अभी उसका सीक्वल भी लिख रहे हैं. और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इंटरेस्टिंग इंसान है ये. या सो थैंक यू संजीव भाई. कुछ कुछ आप बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में कि यू नो जितनी जल्दी हो सके उसको लागू किया जाए सो दैट जो फिल्म मेकर्स और जो सेंसर बोर्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार कई सालों से हो रहा है, चाहे वो जो बैंडिट क्वीन का नाम ले रही हैं आप या हाल फिलहाल तक, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा जब तक हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे रिकमेंडेशंस को, रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, उसको आज के हिसाब से नहीं रखेंगे, तब तक फिल्म मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच में चाहे वो कोई भी आए, वो आदमी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब तक सेंसर बोर्ड का रोल आप डिटरमिन नहीं करेंगे और रिकमेंडेशंस नए मॉडर्न तरीके से नहीं लेके आएंगे तब तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा. लकली जैसा कि राहुल ने कहा या विक्रम ने कहा और संजीव ने कहा, विद दिस फिल्म, दिस काइंड ऑफ अ फिल्म जहाँ पर हम चाहते थे कि लैंग्वेज उसी तरीके की हो जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं और जिस तरह की जगह है और जो हालात हैं, और उसके हिसाब से अगर आप देखिए तो हमें एक फॉर अस इट वॉज अ केक वॉक. हमें उस तरीके से परेशानी कभी नहीं झेलनी पड़ी. हमारे ऊपर छोड़ा गया था तो जब हमारे ऊपर ट्रिब्यूनल ने छोड़ा था तो जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई थी कि हम ट्रिब्यूनल को नाराज़ नहीं करें या ट्रिब्यूनल को हम डिससैटिस्फाई नहीं करें. लेट्स बी आर ओन जज एंड फिल्म को हम उस तरीके से देखें कि हम फिल्म में और क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं जबकि ट्रिब्यूनल ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो. इसको लेकर के समय लगा है. एज फार एज जिसे कहें कि चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट कर दी गई और हम मर गए ऐसा कुछ नहीं हुआ है. इट वॉज़ अ जर्नी दैट टुक टाइम ओनली बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स ओन क्रिएटिव कॉल. नहीं तो बाकी सब चीज़ें काफ़ी आसान थी. प्रोड्यूसर सॉरी बाकी मतलब कोई कैरेक्टर कोई एक्टर इस बारे में कुछ बोलना चाहे. सर जी जी. सर मेरा नाम है सुरेश मेहता, बॉलीवुड वेब टीवी यूएसए से. मेरा ये क्वेश्चन है, आपकी ये फिल्म ट्रेलर देख के कॉमेडी तो है हंसाएंगे लोगों को, लेकिन इस फिल्म के द्वारा मनोज जी ने आपने और पूरी टीम को आपको बधाई है, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है. थैंक यू थैंक यू. लेकिन इससे क्या मैसेज है इस फिल्म से? इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है वो आपको फिल्म देख के मिलेगा. फिल्म के अंदर में एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल और एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज भी है
वो आपको फिल्म देख के मिलेगा. सो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसे. ओके सर. सो अपने इस सारे एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के अलावा फिल्म जो है अपने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. वो आप ख्याल से सिनेमा के इतिहास में हिंदुस्तान में बाहर नहीं अब तक की पुरानी दिल्ली में कोई फिल्म जो सेट की गई है ये सबसे ऑथेंटिक फिल्म है अब तक के इतिहास में. मतलब ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है जिसका बैकड्रॉप पुरानी दिल्ली हो. मतलब बनी ही नहीं है. अगर कोई मुझे दिखा दे तो मैं देखूंगा. है ना. तो ये वजह थी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. और मतलब जितना आनंद जो आया है कि मतलब वही वाली बात है कि देख के देख तो मज़ा आएगा. मतलब खतरनाक वाला ना खतरनाक वाला मज़ा आएगा. तो यही वजह है कि मैं जुड़ गया. थैंक यू.